हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ कच्चे आम की खट्टी मीठी लौंजी की रेसिपी, जिसे बनाना बिल्कुल ईजी है और आप इसे एक साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आम की लौंजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो कच्चे आम का इस्तेमाल किया है। सभी आम को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद एक कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लिया है ताकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। आम को पोंछने के बाद हम इसका जो ऊपर का छिलका होता है उसे निकाल लेंगे। आम को छीलने के बाद अब हम इसे कर लेंगे कद्दूकस। ध्यान रहे, लौंजी बनाने के लिए जो भी आप आम इस्तेमाल करें वो कुठली वाला होना चाहिए। सभी आम को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब एक पैन में कद्दूकस किया हुआ आम ऐड करेंगे, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे चीनी। यहाँ पे मैंने 1/2 किलो चीनी का इस्तेमाल किया है। 1 किलो आम में 1/2 किलो चीनी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब हम आम को छीलते हैं तो उसमें से कुछ गुठलियाँ वगैरह निकल के आम कम हो जाते हैं, तो इसीलिए हम इसमें चीनी भी कम ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम रखेंगे लो टू मीडियम, और लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट चलाने के बाद ही जो चीनी होती है वो पानी छोड़ना स्टार्ट कर देती है। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और आप इसे बीच बीच में चलाते रहें। तीन से चार मिनट इसे पकाने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले, और मसालों में यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, साथ ही 1/2 चम्मच मैं ले रही हूँ नमक, और 1/2 चम्मच ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी। हल्दी से इसका काफ़ी कलर अच्छा आता है, तो हम इसमें हल्दी भी ऐड करेंगे। सभी को डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो इसमें कितना अच्छा कलर भी आया है, और हमें बिल्कुल इसी तरह का कलर चाहिए। 2 से 3 मिनट के लिए और इसे पकने के लिए मैं छोड़ दूंगी, और जब तक ये पकता है हम इसके मसाले बना के तैयार करेंगे। मसालों के लिए मैंने एक पैन में ऐड कर लिया है 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मेथी, 1/2 चम्मच अजवाइन और 1/2 चम्मच कलौंजी, 1/2 चम्मच सौंफ। सभी मसालों को डालने के बाद मैं इसे रोस्ट करूंगी, और यहाँ पे हमें ज़्यादा इसे रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें इसे हल्का सा रोस्ट करना है। 1 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, तो मैं अब गैस का फ्लेम कर दूंगी ऑफ, और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। दो तीन मिनट और पकाने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हमने अभी मसाला ग्राइंड किया था वो, और मसाले को ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं सिर्फ इसे 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी, और आप देख सकते हो लौंजी का कितना सुंदर कलर आया है, और बिल्कुल खट्टी मीठी हमारी लौंजी बन के तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करें, ये बच्चों को तो काफ़ी पसंद आती है। आप इसे 1 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, और खाने में तो काफ़ी यम्मी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।